बच्चों आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा पढ़ने से पहले आप संज्ञा का अर्थ जान लें। संज्ञा बच्चे होता क्या है, जब भी आप कोई अपनी आसपास कोई भी चीज देखते हो उसे संज्ञा कहते हैं। और जब भी आप कोई चीज देखते हो या किसी को बुलाते हो तो एक नाम से बुलाते हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, या प्राणी का नाम है, या भाव है। तो इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। पहला है व्यक्ति। व्यक्ति में देखिए बच्चे, कोई भी नाम हो सकता है, राजू है, संगीता है, रमन है, रीना है। ठीक है, वस्तु में, वस्तु मतलब जो भी चीजें आपके आसपास पड़ी हैं। अगर आप कमरे में बैठे तो कमरे में पंखा है, मेज है, कुर्सी है। ठीक है, ये सारी क्या है, वस्तुएं। तो वस्तु में यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, पुस्तक, अखबार। ठीक है, बाकी आप जो भी आप देखते हैं अपने आसपास। स्थान, स्थान में आ जाए बच्चे, किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, कोई जहाँ पे आप गए हैं वो स्थान, जैसे आगरा, आगरा जगह का नाम है, कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए प्राणी, प्राणी में देखो जानवर और पक्षी। जानवर बच्चे कोई भी हो सकता है, शेर है, चीता है, हाथी है। ठीक है, पक्षी में कबूतर, कोयल, कौवा, तोता, मोर, ये सारे इनके नाम है। भाव देखिए, भाव का अर्थ होता है बच्चे, जब हम किसी को देखकर कोई भाव अपने मन में लेके आते हैं। जैसे प्रेम, हमें किसी पे प्यार आए तो हम कहते हैं हमें आप पे प्रेम आ रहा है। ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, ये अवस्था है। अवस्था मतलब जैसे कि अभी बचपन चल रहा है। ठीक है, बचपन के बाद क्या आएगा, यौवन आएगा। यौवन के बाद क्या आएगा, जवानी आएगी। जवानी के बाद क्या आएगा, बुढ़ापा आएगा। तो ये भाव के अंतर्गत आते हैं। अब हम भेद की बात करते हैं। भेद में देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में देखिए बच्चे, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम। व्यक्ति में आप देखो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम है। मेज वस्तु का नाम है। बरनाला स्थान का नाम है। तोता क्या है, प्राणी। आगे देखिए बच्चे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है, जाति शब्द से किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं या जाति का ज्ञान हो। जैसे आप देखेंगे नदी, नदी में देखो गंगा नदी, यमुना, सरस्वती, सतलुज क्या है, सारे नदियों के नाम है। पर जब हम नदी का नाम अलग अलग लेते हैं तो वो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हम सारी नदियों को इकट्ठा एक नाम दे दिया कि ये नदी है, वो बन गई जातिवाचक संज्ञा। पक्षी, पक्षियों में जैसे मैंने भी आपको बताया, कौवा, तोता, कोयल, ये सारे पक्षियों के नाम है। ठीक है, जब हम उनको सारे पक्षियों को पक्षी की जाति में दे रख दिया तो वो पक्षी बन गए। स्कूल, अब स्कूल देखो, सारे स्कूलों का नाम अलग अलग होता है। अगर हम स्कूलों का नाम अलग अलग लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मदर टीचर स्कूल, मदर टीचर स्कूल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर हम यहाँ देख रहे हैं स्कूल, स्कूल सारे स्कूलों को हमने किस जाति में रखा है, स्कूल में रखा है। फल, फल में बच्चे देखो आम, केला, सेब, ये इनके नाम है। इन सभी फलों को हमने फलों का नाम दिया है। ठीक है, आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में देखो हम क्या देखते हैं, भाव से आपको पता ही लग रहा है, इमोशंस, फीलिंग्स, जो हम एक दूसरे को बताते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा, अवस्था या भाव। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे प्यार, प्यार मतलब किसी को देख के हमारे अंदर प्यार का भाव आया। बचपन, बचपन की आ गई आपकी अवस्था आ गई। दशा में आप देखिए कि कोई गरीब इंसान है, आप उसको देखकर आपको लगता है कि कितना मतलब बुरी स्थिति में है वो। ठीक है, तो आपको उसे देख के क्या आई, दया आई। ठीक है, उसकी कंडीशन देख के, उसकी दशा देख के। आगे है बच्चे भाव, भाव मतलब जो भी आप उसको देखकर महसूस करते हो। ठीक है, बचपन, बचपन हो गया अवस्था। मिठास, मिठास हो गया स्वाद। ठीक है, और आलस्य, जैसे हम कहेंगे मुझे बहुत आलस्य चढ़ा हुआ है। ठीक है,
आगे देखिए समुदाय वाचक, समुदाय का अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है कि ग्रुप, ग्रुप में देखिए बच्चे, ग्रुप किसी का भी हो सकता है, जैसे आप बच्चे हो, ठीक है, बच्चे कहाँ बैठते हैं, कक्षा में, तो कक्षा क्या हो गया, बच्चों का ग्रुप हो गया, बच्चों का समुदाय हो गया। व्यक्ति या वस्तु, प्राणी का समूह, समूह किसी का भी हो सकता है, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या प्राणी का हो, जैसे कक्षा का मैंने अभी आपको बताया बच्चों का समूह है ये। दल, दल लोगों का दल हो सकता है, भीड़ लोगों की भीड़ हो सकती है, ये सारे समुदाय हैं। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक मतलब जो भी तरल पदार्थ है, जो भी हम धातु यूज करते हैं, या कुछ एग्जांपल के थ्रू देखिए आप, जैसे कि सोना, दूध, घी, तेल। और देखो द्रव्य, द्रव्य क्या है, तेल द्रव्य हो गया, पदार्थ, पदार्थ कोई चीज हो गई इनमें से, दूध भी क्या हो गया, द्रव्य हो गया, धातु सोना क्या होगी, धातु होगी, सोना चांदी ये सारे क्या है, धातु है, तो इनको हमने द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा है। तो बच्चों इन सब पॉइंट्स के आधार पर आप संज्ञा को जान सकते हो। धन्यवाद।